सृष्टि के अनादिकाल से ही प्राणियों को धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए संतों और गुरुओं के रूप में दिव्य आत्माओं का अवतरण होता रहा है। इसी परंपरा में मानव मात्र के उद्धार के लिए परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। परम पूज्य देवी जी संपूर्ण मानव जाति को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की ऊर्जा प्रदान कर संतप्त जीव को शांति का दान कर रही हैं। माता पिता के संस्कारों और माँ पीताम्बरा की कृपामयी छाया में पली बढ़ी परम पूज्या देवी जी के मन में बाल्यावस्था से ही जीव मात्र के लिए अगाध स्नेह और करुणा का भाव रहा है। बचपन से ही संत महात्माओं की सानिध्य एवं दीन दुखियों की सेवा में आपको आनंद की अनुभूति होती है। संगीतमयी श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से जब पूज्या देवी जी गूढ़तम सूत्रों को अत्यंत सरल और ग्राह्य रूप में श्रोता भक्तों को सुनाती हैं, तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तिमय भजनों के माध्यम से पूज्या देवी जी श्रोताओं को निरंतर भगवत सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। परम पूज्य देवी जी ने 5 संकल्पों के साथ मातृत्व संरक्षण केंद्र ट्रस्ट की स्थापना सन 2011 में की। कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं अनाथ असहाय बेटियों का पालन पोषण करना, अनाथ असहाय एवं गरीब कन्याओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, दहेज प्रथा को मिटाना, वृद्ध सेवाश्रमों की स्थापना करना, गौवंश के संरक्षण के लिए विशाल गौशालाओं की स्थापना करना, मातृत्व संरक्षण केंद्र के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने और संस्कारित मातृत्व के सृजन में सहयोगी बने। हमारे केंद्र को दिया गया दान आयकर अधिनियम के तहत आयकर मुक्त है। मातृत्व संरक्षण केंद्र अकाउंट SBI 031-7611-29825 शाखा झांसी उत्तर प्रदेश। मेल आईडी msk.trust108@gmail.com वेबसाइट www.matratva.in संपर्क सूत्र 07-388-535-108। परम पूज्य डॉक्टर साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी के चिंतन से जुड़ने के लिए श्री राम कृपाधाम आश्रम हरिद्वार से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका आध्यात्म वाणी की सदस्यता के लिए संपर्क करें
भगवान श्री हनुमान जी महाराज उमापति महादेव परम मंगलमय भक्तवत्सल परमानंद स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राघव के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के दिव्याते दिव्य चरणों में नमन करते हुए हम आप सभी लोग भगवान की कृपा में नित्य प्रति भगवत करुणा भगवत चिंतन और भगवत आराधन करते हुए नवदिवसीय श्री राम कथा के इस दिव्य अनुष्ठान में अवगाहन कर रहे हैं। नित्य प्रति हम आप सभी लोग चिंतन में है भगवान दुर्लभ से सुलभ कैसे हो, परमात्मा अनेक अनेक ज्ञानी जनों को भगवान अनेक अनेक ध्यानी जनों को तपस्वियों को योगियों को जो दुर्लभ है वही परमात्मा सामान्य सरल निर्मल जीवों के लिए सहज सुलभ है। चित्रकूट की बड़ी सुंदर भूमि और चित्रकूट की भूमि में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। भगवान महात्मा महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए और यहाँ ये महात्मा और परमात्मा का जो चिंतन रहा वो कहीं ना कहीं हम आप सभी जीवों के कल्याण के लिए हम आप सबको मार्ग देने के लिए बड़ा सुंदर चिंतन हुआ संवाद हुआ। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं महात्मन मुझे कहाँ रहना चाहिए कहाँ निवास करूं और इस प्रश्न के उत्तर में भगवान को महात्मा महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 प्रकार के भक्तों के मन को ही भगवान का निवास कहा। आए मानस के उसी क्रम से आज का सत्र प्रारंभ करते हुए हम आप सभी लोग
वाल्मीकि महात्मा बोले हैं भगवान, अब मैं आपको जो स्थान कहूँ वहाँ आप रहिए। भगवान ने पूछा कहाँ रहूँ? प्रथम स्थान बताया जो अपने कानों का सदुपयोग करे, आपके चरित्रों का श्रवण करे, उन भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। कल हम लोग चर्चा में थे, दूसरा स्थान महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया जो अपने नेत्रों का सदुपयोग करें, ऐसे ऐसे जीवों के हृदय में आप निवास करिए। आज के क्रम में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान, जिन जिन जीवों ने अपनी जिह्वा का सदुपयोग किया हो उन जीवों के हृदय में आप निवास करिए। मुक्ता हल गुण गन चुनई, मानो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं आपके गुण, आपका नाम, आपका यश ही मोती है। और जिसने अपनी जिह्वा को हंसनी बना लिया, हंस मोती चुगता है, आप सबने सुना होगा, वही उपमा आज हम आप सभी जीवों की जिह्वा को वाल्मीकि जी ने दी। मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हियता। भगवान से कहा राम, जिसकी जुबान को, जिसकी जिह्वा को आपका नाम जस तुम्हार मानस विमल, आपका नाम और आपका यश प्यारा लगने लगा हो, मीठा लगने लगा हो, उसके हृदय में आप निवास बनाइए। एक क्षण के लिए चिंतन करो, पूरे शरीर में एकमात्र जिह्वा है जो रस लेती है, जो रस सिक्त होती है। दुनिया भर के अनेक अनेक रस हमने लिए, लेकिन तो भी संत जन कहते हैं जिसने भगवान के नाम की मधुरता का रस नहीं लिया, उसने जीवन में जिह्वा को प्राप्त करके कुछ भी प्राप्त नहीं किया। महात्मा श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अगर मुझे संसार मीठा लगता है, अगर मुझे संसार का कोई भी रस मीठा लगता है, तो ये पहचान है कि अभी मीठा नहीं लगा। एक बार जिसकी जिह्वा को वो मिठास लग जाए, दुनिया में वो और कुछ और कोई रस लेना ही नहीं चाहता। कई बार सोच कर देखना, चिंतन करना, हम आप सभी लोग संसार में निंदा और स्तुति में इतने मगन हो जाते हैं, हमारी ये जिह्वा किसी की निंदा करनी हो, बुराई करनी हो तो बड़े भाव से आगे बढ़ती है, बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ती है, और क्या आनंद आता है, कितना रस आता है निंदा में लोगों को, होता है ना। कथा में 3 घंटे बैठना हो तो बड़ा मुश्किल, और किसी की निंदा करनी हो 3 घंटे तो बड़ा अच्छा आनंद आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जिह्वा को भगवान के नाम, भगवान का यश मीठा नहीं लगा। तीसरा निवास स्थान है अगर अपनी जिह्वा को भगवान के नाम से जोड़ दो। देखो, कई बार आपने संतों का व्यवहार देखा होगा, आप अवध धाम में जाइए, आप वृंदावन धाम में जाइए, कई बार संतों का व्यवहार आप देखिए, संसार में व्यवहार करते हुए भी भगवान का नाम स्वतः निकल जाता है। कई बार तो किसी को पुकारते हैं तो राम जी सुनो इधर, संतों की भाषा है, किसी को भी बुलाना हो, कहीं ना कहीं ये पहचान है कि उन्होंने अपनी जिह्वा को
राम नाम का अभ्यास कराया है। और अभ्यास होगा, मिठास आएगी राम के नाम में, तो ही जिह्वा उस ओर चलेगी, वरना तो निंदा और बुराई में ही रहेगी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती संसार में निंदा के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। अब आप सोच कर देखो, दिन भर में हम कितना पाप करते होंगे। शंकर कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम पाप नहीं है। आप किसी की सुंदरता को देख करके आपके मुख से गलत शब्द निकल जाए, किसी की संपत्ति को देख कर गलत बात आए जुबान पर, किसी की अच्छाई को देखकर भी लोग निंदा करते हैं, इससे ज्यादा और क्या हो। किसी की अच्छाई भी बर्दाश्त नहीं होती। मानसकार कहे और तो ज्यादा, संसार में ऐसे भी लोग हैं जो गुरु तक की निंदा करते हैं। संसारियों को तो छोड़ दो, अगर गुरुजी हमारे हिसाब से चलते हैं तो हमारे गुरुजी से बढ़िया कोई नहीं। अगर हमारे हिसाब से नहीं चलते तो लोग कह देते हैं कभी कभी, गुरु बनाए तो हैं पर ठीक नहीं है। मानसकार ने उत्तरकांड में सचेत किया जीव को, निंदा के बराबर कोई और पाप नहीं है। और ये पाप आपकी जिह्वा से बन रहा है दिन रात। अगर शंकर का गुरु का निंदक है तो उसकी गति क्या है? मानसकार कहते हैं, हर गुर दादुर होई, सावधान होकर श्रवण करना। यही जिह्वा अगर राम नाम से जुड़ गई तो उद्धार कराने वाली हो जाती है, और यही निंदा से जुड़ गई तो मानसकार कहते हैं भगवान शंकर की निंदा करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला मेंढक बनकर जन्म लेता है, दादुर बनता है। और देखो मेंढक की एक विशेषता आपको बताएं, ये बोलता बड़ा है पर इसके बोलने में कोई शब्द नहीं होता, केवल आवाज निकलती है। अब देखा तो हमने भी नहीं है पर ऐसा सुना है, मेंढक को जिह्वा नहीं होती है, जुबान नहीं देते भगवान, इसके गालों के माध्यम से ईश्वर निकलता है। तो ये संकेत है बहुत बड़ा, जिसने अपनी जिह्वा का सदुपयोग नहीं किया भगवान उसको मेंढक बनाते हैं, और मेंढक बनाने का मतलब उसको भगवान जुबान नहीं देते, जीव नहीं देते। फिर बिना जिह्वा के बस
तर तर होती रहेगी, शब्द नहीं निकलेंगे, स्वर निकलेगा। मानसकार दर्शन कराते हैं मानुष में, राम नाम से जो नहीं जुड़ी है ऐसी जीविया, भले ही आप मानव बने रहो तब भी मानसकार तो कहते हैं। जो निंदा स्तुति में संसार में लगी है वो मेढक की जीविया के समान ही है। जो तरक्की चाहिए। भगवान ने अभी इंसान बनाकर भेजा है, बढ़िया जुबान दी है, लेकिन इसका उपयोग सही नहीं करोगे तो फिर मेढक बनाकर भेजेगा। बनना है। अच्छा, कितने लोग बनना चाहते हैं? एक हाथ उठा है। क्यों बनो भैया? भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, अच्छा विवेक दिया है, शास्त्रों की संतों की वाणी दी है, उसके बाद भी अगर जीवन का पतन हो जाए तो क्या करोगे? इसलिए शास्त्रों ने, संतों ने, मानसकार ने दर्शन कराया है। इस जीविया को निंदा से बचाकर भगवान के नाम में लगा। आप कहो नाम तो हम भी लेना चाहते हैं, भगवान का गुणगान तो हम भी करना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है, कई लोगों के साथ परेशानी है कि जीविया पर राम नाम नहीं आता, दुनिया की सारी चीज आ जाती। कई लोगों की विशेष समस्या है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में भी कोशिश करो, अभ्यास करो। गीता में भगवान कहते हैं अभ्यास से ना होने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। योगाचार्यों ने कहा अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा सब कुछ संभव है। हम लोग दिन में कम से कम हजारों बार दूसरों की बुराई करते हैं, हजारों बार दूसरों की निंदा करते हैं। एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा समय निकालो, 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें कम से कम बैठकर चिंतन हो, आज हमने इतने लोगों की बुराई की ना, कल से इसमें एक कम कर देंगे। और एक एक रोज कम करोगे तो एक दिन इस जीविया से बुराई निकल जाएगी, निंदा निकल जाएगी और भगवान का नाम इसे मीठा लगने लगेगा। जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जाय, मुक्ता हल गुनगन चुनई राम बसहु हिय ताश। वाल्मीकि जी ने भगवान को तीसरा निवास स्थान बताया है, जिसकी जीविया भगवान के नाम से जुड़ गई हो। अभ्यास जिसको भगवत नाम का हो, ऐसे जीवों के हृदय में आप निवास करिए। आए मानस के कथा क्रम की ओर। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान वन की लीला में है। परमात्मा आज चित्रकूट तक भगवान की लीला हुई। यहाँ चित्रकूट की भूमि में भगवान ने निवास बनाया है। उधर श्री सुमंत जी जब लौट कर आए अवध में, अवधेश का अवसान हुआ,
श्री भरत गुरुदेव के आदेश से लौटे श्री अवध में। यहाँ बाबा मानस में दर्शन करा रहे हैं, सबको भरत जी ने तैयार किया। आप सभी लोग मेरे साथ राम दर्शन के लिए चले। हजारों लोग आज भरत जी के साथ राम दर्शन की यात्रा पर चल रहे हैं। चित्रकूट की यात्रा पर हजारों लोग यहाँ से चले हैं। श्री भरत ने आज कैकई और मंथरा को भी साथ लिया। किसी ने कहा कि जिसके कारण भगवान बन को गए, जिसके कारण अवध में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, उस मंथरा को और कैकई को श्री भरत को साथ लेने की क्या आवश्यकता थी। भरत जी के दो भाव हैं। एक तो भरत जी को लगा राम दर्शन यात्रा में पापी से पापी व्यक्ति भी अगर चलने की इच्छा रखे तो उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे साथ लेकर चलना चाहिए। क्यों? ये तो भगवत दर्शन की यात्रा है। ये अलग विषय है कि वो कहां तक आपके साथ चल सकेगा। पर बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर कहे कि हमें राम दर्शन के लिए चलना है तो उसको मना नहीं किया जा सकता। और दूसरा भाव श्री भरत का रहा, मंथरा और कैकई ने जो कर्म किया उस कर्म का फल सारे अवधवासी भोग रहे हैं। भरत जी को लगा अगर सारे अवधवासी कैकई और मंथरा के कर्म का फल भोगे और मंथरा और कैकई भवन में आनंद से रहे, ये भी ठीक नहीं। जब सब यात्रा पर जाएं तो कैकई और मंथरा को भी चलना चाहिए। अथवा तो तीसरा भाव श्री भरत जी को लगा आज कैकई और मंथरा को भी भले ही भूल हो गई, इनसे गलती हो गई, भगवान को वनवास दे दिया, लेकिन एक मौका तो भूल सुधारने का इनको भी मिलना ही चाहिए। इसलिए भरत जी ने जानबूझकर कैकई मंथरा को भी साथ लिया। बड़ा विशाल समाज आज श्री भरत के साथ राम दर्शन के लिए चला है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। तमसा को पार किया भरत जी ने। तमसा को पार करके श्रृंगवेरपुर के बाहर तक भरत जी आए। यहाँ श्रृंगवेरपुर का मालिक है निषाद। निषाद को किसी भील ने सूचना दी भरत जी बड़े समाज को लेकर आ रहे हैं। चतुरंगनी सेना साथ में है श्री भरत के। निषाद को लग गया शायद भरत ने अवध का राज्य स्वीकार कर लिया और अयोध्या का राजा बनने के बाद भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं भगवान से युद्ध करने। राम जी को वन में ही जाकर के युद्ध करके समाप्त कर दें ताकि 14 वर्ष के बाद भी कोई इस राज्य का बंटवारा करने वाला ना रहे। भाव बदल गया और भाव बदला तो इसने सारे भील लोगों को सबको एकत्रित किया। निषाद ने आज सारे भीलों को कह दिया आप सभी लोग अपने आप को राम भक्त कहते हो, तुम सब अपने आप को राम प्रेमी कहते हो। आज अगर अपने आप को राम भक्त कहते हो तो राम भक्ति साबित करने का मौका है। तो आज हमारे भगवान से युद्ध करने भरत आ रहे हैं। भरत अगर आज गंगा के उस पार हो गए तो हमारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अरे हम जिसकी भक्ति करते हैं वो हमारे इष्ट, वो हमारे परमात्मा, उस परमात्मा की ओर, उस राम की ओर कोई उंगली भी उठा दे और हम कहें कि नहीं हम तो माला लेकर ही बैठे रहे तो क्या भक्ति हुई। आज निशान ने सबको जागृत किया, उठिए राम जी से युद्ध करने आ रहे हैं भरत।
लेकिन व्रत जी को पता नहीं है, भगवान तक तो व्रत बाद में पहुंचेंगे, पहले हम जैसे भीलों से युद्ध करना पड़ेगा भरत को। यद्यपि तो श्री भरत और निषाद का युद्ध नहीं हुआ, लेकिन संतों का मानना है कि अगर ऐसा हो जाता तो आज के युद्ध में शायद परिणाम भीलों के पक्ष में आता। क्यों? क्योंकि परमात्मा आज अयोध्या के भवनों से निकलकर इन भीलों को प्राप्त हो चुके हैं, भगवान इन भीलों को मिले हैं। अवध के लोग भगवान से संबंध मानते हैं क्योंकि भगवान वहां अवतार लेकर आए, लेकिन इन भीलों का भगवान से क्या संबंध है? इन भीलों का भगवान से प्रेम का संबंध है, इन भीलों का भक्ति का संबंध है। और जब जब संसारी संबंधों से और प्रेम के संबंधों से तुलना होती है तो विजय प्रेम संबंध की होती है, भक्ति के श्रद्धा के संबंध की होती है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, आज जैसे ही सारे भील लोग तैयार हो गए युद्ध के लिए, सब गोस्वामी जी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं। आज श्री भरत जैसे ही श्रृंगवेरपुर के करीब आए, हजारों भील लोग हथियार लेकर के तैयार हो गए श्री भरत से युद्ध करने के लिए। उसी समय किसी वृद्ध ने, किसी भील ने कहा निषाद को, निषाद आप युद्ध करें भरत से, उससे पहले एक बार भरत से मिल लीजिए, जिससे आज तक आप मिले नहीं, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको कभी देखा नहीं है, उसके विषय में पहले से धारणा बना लेना, वो ऐसा ही होगा। ये आपकी धारणा कभी गलत भी तो हो सकती है। पहले आप भरत को मिलिए, अगर आपको लगता है कि भरत का मन गलत है, कुभाव है भरत का, तो आज इस बुजुर्ग ने कह दिया, निषाद हम भीलों में से एक के शरीर में भी प्राण बाकी रहेगा तब तक हम वचन देते हैं श्री भरत इस गंगा के उस पार नहीं पहुंच सकेंगे। निषाद को लगा कि बात तो ठीक है, पहले मुझे मिलना चाहिए। आज निषाद कुछ उपहार लेकर जिस रास्ते भरत आ रहे हैं, उसी रास्ते निषाद भरत को मिलने के लिए आए हैं। दूर से भरत के रथ को देखा, निषाद ने धरती पर दंडवत करके प्रणाम किया, और जहां निषाद ने प्रणाम किया, गुरुदेव की दृष्टि पड़ी वशिष्ठ जी की। श्री भरत को बुलाया, भरत सामने देखो जो प्रणाम कर रहा है, दंडवत कर रहा है, जानते हो कौन है? भरत बोले मैं नहीं जानता। गुरुदेव ने कह दिया, भरत ये राम का सखा है, और राम सखा शब्द सुना श्री भरत रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े भरत, आज धरती में लौटते हुए धूल भरे उस निषाद को भरत जी ने हृदय से लगा लिया। राम सखा सुन स्यंद Oh,
का त्याग कर दिया, आगे आए निषाद को हृदय लगाया। बाद में निषाद ने देखा भरत जी के उस भाव को, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। निषाद के नेत्र से अश्रु धारा बह पड़ी। भरत जी के लिए मैंने बड़ा गलत गलत सोच लिया, इसको लगा अरे जो एक मुझ जैसे निम्न जाति में पैदा होने वाले को भी, धूल से भरे हुए निषाद को भी हृदय से लगाने की सामर्थ्य रखता है, उसका भाव उसका मन कभी अपवित्र नहीं हो सकता। एक बार निषाद बोल पड़ा भरत जी को, भरत भैया अरे आपने मुझे स्पर्श कर लिया, मैं तो भील जाति में जन्म लेकर आया हूँ। जाओ छाँव छुई ले सींचा, जिसकी परछाई भी किसी पर पड़ जाए तो लोग स्नान करने जाते हैं, लोग इतना छुआछूत उससे मानते हैं, और आपने उसी को स्पर्श कर लिया। श्री भरत बोल पड़े निषाद मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है बड़े से बड़े अपवित्रता को भगवान का नाम लेने भर से वो अपवित्रता दूर हो जाती है। राम नाम लेने भर से सारे अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं भगवान के नाम से। श्री भरत बोले कि जब भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, अपवित्र से पवित्र भगवान का नाम बनाता है, तो जिस परमात्मा ने साक्षात तुम्हें स्वीकार कर लिया निषाद, उसके बाद भी क्या तुम अपवित्र रहे हो? अरे जिस भगवान ने तुम्हें हृदय लगा लिया, क्या अब तुम अपवित्र रहे? निषाद को बड़ा सम्मान दिया भरत जी ने, निषाद आनंदित बना, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। यहाँ निषाद ने प्रार्थना की भरत जी की, आप एक रात्रि यहाँ निवास करें, भगवान भी यहाँ रहे, एक रात्रि श्री भरत यहाँ निवास करते हैं। सारे अवध वासियों की व्यवस्था ये भील लोग कर रहे हैं, भीलों ने सबकी व्यवस्था की, रात्रि विश्राम की, रात में सब जहां तहां विश्राम कर गए, लेट गए, पर भरत जी रात्रि में आए, निषाद से बोले निषाद भैया भगवान ने एक रात्रि यहाँ विश्राम किया था? निषाद ने कहा भगवान कहाँ सोए थे? भरत जी बोले मुझे वो स्थान दिखाइए जहाँ परमात्मा ने रात्रि व्यतीत की। निषाद भरत जी को लेकर गए, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज भरत ने देखा एक पत्तों की कुशाओं की कुटिया बनी है, उस कुटिया में भगवान का पत्तों का आसन लगा है, सैया बनी है भगवान की, जानकी जी की सैया बनी है। श्री भरत ने देखा यहाँ भरत रात्रि भर बैठ कर भगवान का चिंतन करते रहे और रात्रि भर भरत रोते रहे। मेरे कारण मेरे भगवान को ऐसे स्थान पर भूमि पर भगवान को सहन करना पड़ रहा है, मेरे कारण मेरे भगवान को पत्तों की सैया पर सोना पड़े, मेरी भगवती जानकी माँ को पत्तों की सैया पर सहन करना पड़ रहा है, मोह समान को पाप निवासो। श्री भरत जी कहे मेरे समान दुनिया में और कोई पापी नहीं हो सकता। निषाद ने समझाया भरत जी को, प्रातः काल हुई, यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। कई बार समाज में जब आप शुभ कर्म करने चलते हो, जब आप अच्छा कर्म करने चलते हो तो ध्यान देना, समाज में कई लोग आपका विरोध करने वाले भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके हृदय में सच्चाई है, अगर आपका संकल्प शुद्ध है, पवित्र है, अगर आपका मन पवित्र है, तो भगवान उन विरोध करने वालों को, जो विरोध कर रहे थे, उन्हीं को सहयोगी भी बना देते हैं।
ये परमात्मा की कृपा है। जो निषाद युद्ध के लिए तैयार हो रहा था वही निषाद भरत जी के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़ा। गोस्वामी जी कहे अनेक अनेक निषाद ने भीलों को साथ लिया और यहाँ से अनेक भीलों के साथ राम दर्शन यात्रा चित्रकूट की ओर अग्रसर होने लगी। क्या सुंदर दर्शन है, एक क्षण के लिए चिंतन करो। मानो विशाल सागर आज अभी तक नदियां सागर के पास जाते थे, लेकिन आज संतों ने कहा आज तो ये प्रेम रूपी सागर श्री राम रूपी देवसरी से गंगा से मिलने जा रहा है। ये विशाल प्रेमियों का समुद्र चित्रकूट की ओर चला है। मार्ग में जो जो मिलता गया भरत के साथ होता गया। श्री भरत की यात्रा प्रयाग में पहुंची। यहाँ प्रयाग में जब गंगा पार किया ना भरत जी ने, तो गंगा पार करने के बाद संकल्प लिया था यहाँ से मैं नंगे पैर ही आगे चलूंगा, कोई पादुका चरण में नहीं पहनूंगा, कोई सवारी स्वीकार नहीं करूंगा। भरत बोले, लोगों ने समझाया भरत जी अभी तो बड़ा दूर है। भरत जी ने कह दिया नहीं, मेरे भगवान भी यहाँ से पैदल गए थे, मेरे परमात्मा पैदल गए थे और मैं सवारी पर जाऊं तो सेवक के धर्म का अपमान होगा। भरत जी यहाँ से नंगे पैर पैदल चले चित्रकूट की ओर। मानसकार दर्शन करा रहे हैं, आज प्रयाग में भरत जी पहुंचे और प्रयाग में किसी ने माँ कौशल्या जी को जाकर के कह दिया माँ श्री भरत गंगा पार से पैदल चल करके आया। माँ आई दौड़ती हुई, रात्रि का समय है। माँ ने भरत जी के चरणों को देखा, मानस में दर्शन आया आज माँ के नेत्र सजल हो गए। भरत तूने ये क्या किया? भरत जी के चरणों में आज पैदल चलने से फफोले पड़ गए, एक एक फफोले से रक्त बह रहा है। माँ ने जब देखा तो माँ के नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी। भरत कमल के पुष्प पर ओश की बिंदुएं नजर आती हैं, वैसे मानसकार ने दर्शन कराया आज भरत जी के चरणों में फफोले नजर आए। माँ ने भरत को नहरे दिया। प्रातः काल हुई, यहाँ से आगे यात्रा पहुंची। श्री भरद्वाज जी के आश्रम में भरत आए। यहाँ बाबा मानस में दर्शन करा रहे हैं। भरद्वाज जी ने भरत जी को बड़ा आदर दिया, बड़ा प्रेम दिया। भरत मुझे ऐसा लगता है संसार में राम का प्रेम ही साक्षात स्वरूप धारण करके आ गया है, शरीर धारण करके आ गया है राम प्रेम, और उस शरीर का नाम भरत है। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं।
यहाँ प्रयाग में श्री वरद संगम में स्नान करने आए, सारा समाज साथ में है। यहाँ संगम में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल माना जाता है, वहाँ वरद ने स्नान नहीं किया, सारे लोग वहाँ स्नान किए, पर भरत जी ने गंगा जी में अलग स्नान किया और यमुना में अलग स्नान किया। देखत श्यामल धवल हिलोरे, एक श्याम हिलोरे देखी, श्याम जल देखा, एक गौर वर्ण का जल देखा। यमुना जी श्याम है, गंगा गौर है। जब गौर वर्ण में जल में गंगा में स्नान किया श्री भरत ने, गोस्वामी जी दर्शन कराए, गंगा में स्नान किया तो भगवती श्री जानकी जी का स्मरण हो गया, मेरी माँ जानकी भी गौर वर्ण की है। और जब श्यामल जल में यमुना जी में स्नान किया तो भगवान का स्मरण हो गया, मेरे परमात्मा का स्वरूप भी श्यामला सलोना। बड़े दिव्य भाव से स्नान किया। किसी ने भरत जी से पूछा, आप प्रयाग में जहाँ संगम का महत्व है उस संगम में स्नान क्यों नहीं करते? भरत जी ने कहा, संगम में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का समागम होता है, वहाँ मेरा मन स्नान करने क्यों नहीं किया? पूछा लोगों ने, भरत ने कह दिया, बात यह है इस संगम में गंगा और यमुना के साथ सरस्वती भी है, और मैंने सुना है कि ये वही सरस्वती है जिस सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी और मंथरा ने सारे अवध में अनर्थ कर दिया। मैं गंगा में स्नान कर सकता हूँ, गंगा भक्ति है, यमुना में स्नान करूँ, पर शरीर सरस्वती में मैं स्नान नहीं करूँगा। सारे लोग श्री भरत की स्थिति को देखकर मौन हो गए, प्रेम उमड़ने लगा भरत का, और जब प्रेम प्रवाह उमड़ा तो आज प्रयाग में खड़े होकर भरत ने प्रयाग से ही तीर्थों के राजा ने प्रयाग से ही मांग लिया, आज आपके सामने मैं भिखारी बनकर खड़ा हूँ, कुछ मांगना चाहता था। प्रयाग प्रसन्न हो गए, तीर्थराज ने कह दिया, भरत जी आप जैसा मांगने वाला मुझे मिले तो मेरा सौभाग्य है, जिसने अवध के सत्ता को ठुकरा दिया हो, जिसने अवध की संपत्ति को सिंहासन को ठुकरा दिया हो, वो भरत मेरे सामने मांगने आए तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। आज प्रयाग ने कह दिया, भरत मांगो क्या चाहिए। भरत जी ने हाथ जोड़े, प्रयाग के सामने भरत बोल पड़े, अरथ न धर्म न काम रुचि। प्रयाग, मुझे आपसे अर्थ नहीं चाहिए, मुझे आपसे धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे काम भी नहीं चाहिए। तो प्रयाग ने कहा, चौथा पुरुषार्थ तो सबको चाहिए होता है, जिसको अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, उसको भी मोक्ष तो चाहिए होता है। मोक्ष तो महात्मा भी मांगते हैं, आप मोक्ष मांग लीजिए। भरत ने कहा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्रयाग भी चक्कर में पड़ गए, भरत जी ये चार ही चीजें तो मेरे पास हैं, कोई आता है वो अर्थ मांगने के लिए आता है, कोई आता है काम मांगने के लिए आता है, कोई धर्म मांगने के लिए आता है, और जो ये तीनों नहीं मांगते वो मोक्ष मांगने आता है। आप कहते हैं चारों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो प्रयाग बोले इसके अलावा मेरे पास है क्या जो आपको दो, इसके बाद बचता क्या है जो आपको दो। भरत जी रो पड़े, प्रयाग अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो इतना वरदान दे दीजिए, एक जन्म नहीं जन्म जन्म मेरा अनुराग भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बना रहे, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे।
कुछ नहीं चाहिए, सीता राम चरण रति मोरे, बस मेरा भगवान श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। आज प्रयाग भी श्री भरत के चरणों में नतमस्तक हो गया। भरत जी ऐसा मांगने वाला तो आज तक मुझे भी नहीं मिला। अरे भरत, आप मुझसे राम प्रेम मांग रहे हैं, राम चरणों में प्रेम मांग रहे हैं। अगर मैं सच्चाई कहूँ तो प्रयाग तीर्थराज बोल रहे हैं भरत को, भरत ये तो मुझे आपसे मांगना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है संसार में भरत से बड़ा राम प्रेमी न हुआ है, न कभी दुनिया में हो सकता है। भरत राम प्रेम तो मुझे आपसे मांगना चाहिए, मैं आपको क्या दूंगा। गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, श्री भरत की यात्रा आज यहाँ प्रयाग से आगे बढ़ी है। भरत जी कुछ दूर जाकर सबको भरत ने रोक दिया, सबको कुछ देर के लिए छोड़कर यहाँ से शत्रुघ्न और निषाद के साथ श्री भरत जी आगे बढ़े। चित्रकूट में प्रवेश भरत जी का हुआ, निषाद रास्ता बताता जा रहा है और गोस्वामी जी दर्शन कराए। आज थोड़ी दूर से निषाद ने इशारा किया, भरत भैया सामने जो सुंदर सुंदर वृक्ष नजर आ रहे हैं, इन वृक्षों के बिल्कुल पीछे भगवान की कुटिया है। भरत जी ने जब सुना तो आनंद अतिरेक में मगन हो करके श्री भरत यहाँ पृथ्वी पर प्रणाम करना प्रारंभ हो गए। मानस का बड़ा सुंदर दर्शन। निषाद ने कहा अभी तो बड़ा दूर है, यहाँ से प्रणाम करने का क्या मतलब। भरत जी बोले नहीं, इस भूमि में मेरे भगवान के चरण हैं, यहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, और इस भूमि पर जहाँ मेरे भगवान पैदल चलते हैं, कभी तो भगवान यहाँ तक घूमने आते होंगे, इस धूल में जहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, वहाँ मैं अपना चरण नहीं रख सकता। भरत जी बोले यहाँ से प्रणाम करते हुए श्री भरत भगवान की कुटिया के दरवाजे तक आए और मानसकार कहे पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। यहाँ दरवाजे पर आकर भरत ने पूर्ण समर्पण भगवान को कर दिया। आपके दरवाजे में आ गया, अब आपका काम है, मुझे स्वीकार करें या ना करें। भरत ने पूरा समर्पण कर दिया, इसके बाद अब मेरा कोई काम नहीं। मानो ये दर्शन है हमारे आपके सबके लिए, भगवान की कृपा के सहारे उसके दरवाजे तक जाया जा सकता है, उसके बाद भगवान ही दरवाजे तक आए और जीव का हाथ थाम कर ले जाए तो ही प्रवेश हो सकता है।